हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द रेस्ट टॉपिक्स ऑफ चैप्टर 2 ऑफ क्लास 4th इन कंप्यूटर। सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज ओपनिंग अ फाइल एंड फोल्डर। हाउ टू ओपन अ फाइल एंड फोल्डर? सिंपली डबल क्लिक ऑन एनी ऑप्शन। Just like we have to open pictures, okay? So double click on the pictures and the pictures will open, ठीक है? Just like हमने pictures पे double click किया, ठीक है? Then एक और files open हो गई हैं, ठीक है? इस पे भी हम double click करेंगे तो ये पूरी file open हो जाएगी। सो किसी भी फाइल या फोल्डर को ओपन करने के लिए सिंपली उस पर डबल क्लिक करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज क्रिएटिंग अ न्यू फोल्डर। हाउ टू क्रिएट अ न्यू फोल्डर? फोल्डर क्रिएट करने के लिए ये देखिए, या तो आप यहाँ पर ये जो न्यू फोल्डर ऑप्शन लिखा हुआ है इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है? ये न्यू फोल्डर आ गया, ठीक है? इसको आप कोई भी नेम दे सकते हो। अभी ये फोल्डर ब्लैंक है। फर्स्टली हम कहाँ गए? सबसे पहले हम गए माय कंप्यूटर पे। माय कंप्यूटर पे जाने के बाद हम लोकल डिस्क सी में क्लिक किया, डबल क्लिक किया। If we want to create a new folder, we have to click on this option, okay? अगर हम new folder create करना चाहते हैं तो हम simply इस option पर click कर देंगे। इस option पर click करते ही new folder open हो गया। इसको आप कोई भी name देना चाहो तो name दे सकते हो, ठीक है? Like X, Y, Z and press on enter key। तो ये हमारा नया folder बन गया है, ठीक है? या फिर आप यहाँ पर राइट क्लिक करके, जो ब्लैंक एरिया है यहाँ पर आप राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करते ही, सॉरी, इस वाले ब्लैंक एरिया पर राइट क्लिक करोगे और यहाँ पर न्यू ऑप्शन है, न्यू ऑप्शन पे क्लिक करना है। न्यू फोल्डर पे क्लिक करेंगे, वापस न्यू फोल्डर हो गया, ओके? नेक्स्ट ऑप्शन इज रिनेमिंग फाइल और फोल्डर। अब मान लीजिए आपको ये न्यू फोल्डर, आपने एक फाइल है, इसको आपको रिनेम करना है, इसका नाम आपको चेंज करना है। इसका नाम चेंज करके आपको ए बी सी रखना है, ठीक है? तो आप इस पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक आप यहाँ से करेंगे, माउस से आपने राइट क्लिक किया इस पर, ठीक है? इसको सेलेक्ट करके राइट क्लिक करेंगे, ये ऑप्शन आया रिनेम का, ठीक है? अब यहाँ पर आप बैकस्पेस कीबोर्ड की सहायता से बैकस्पेस करके ए बी सी एंड देन प्रेस द एंटर की, ओके? सो हमने अभी तक सीखा है किसी भी फाइल को ओपन करना। किसी भी फाइल को ओपन करने के लिए उस पर डबल क्लिक करते हैं। एक नया फोल्डर बनाने के लिए तो न्यू फोल्डर पे आप क्लिक करोगे या फिर आप राइट क्लिक करोगे ब्लैंक एरिया में। आप चाहो तो इसको डेस्कटॉप पे भी कोई भी न्यू फोल्डर बना सकते हो। जैसे यहाँ पर आपने राइट क्लिक किया, न्यू पे क्लिक किया और ये रहा फोल्डर, न्यू फोल्डर बनाया, ये बन गया, आ गया न्यू फोल्डर, ठीक है? इसको जस्ट एंटर क्लिक करो, न्यू फोल्डर बन गया। नेक्स्ट इज डिलीटिंग अ फाइल एंड फोल्डर। डिलीट करना किसी फाइल एंड फोल्डर को। अब जैसे मान लीजिए आपको ये TNTKD, इसको आपको डिलीट करना है। इसको डिलीट करने के लिए इसको सेलेक्ट करके इस पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद ये डिलीट का ऑप्शन है, इसको डिलीट कर देंगे और ये फाइल हमारी कहाँ चली जाएगी? रिसाइकल बिन में। यहाँ से हम इसको वापस रिस्टोर कर सकते हैं, ठीक है? इसको यस कर देंगे, यहाँ से फाइल डिलीट हो गई है, ठीक है?
अब इसको मान लीजिए आपको वापस से रिस्टोर करना है, आप वापस चाहते हैं कि ये फाइल आप डिलीट ना करें और आपके पास ये फाइल वापस आ जाए, तो सिंपली रिसाइकल बिन में जाएंगे आप, जितनी भी फाइल्स वगैरह डिलीट करते हो वो सारी कहाँ आ जाती है, रिसाइकल बिन में। ठीक है, तो उसका नेम था TKD किटी काइट, टी पे होगा उसका नेम। इट्स हियर, TKD काइट। ओके, इस पे आप राइट क्लिक करेंगे एंड रिस्टोर। अगर आप मान लीजिए इसको परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं कि आपको रिसाइकल बिन में भी नहीं चाहिए और ये फाइल आपके कंप्यूटर में भी नहीं होनी चाहिए, तो आप इसको डिलीट कर देंगे, परमानेंटली डिलीट हो जाएगी यहाँ से। और अगर आप इसको रिस्टोर करना चाहते हो, आप वापस इसको कंप्यूटर में लाना चाहते हो इस फाइल को, तो ये रिस्टोर कर देंगे। ठीक है, ये फाइल यहाँ से हट गई और वापस आपके डेस्कटॉप पे आ गई। ठीक है, रिस्टोर करना सीख लिया। मूविंग ए फाइल एंड फोल्डर, मान लीजिए आपको कोई भी फाइल, यहाँ की जो फाइल है, इस फाइल को, एबीसी फाइल को आपको डेस्कटॉप पे लेकर के आना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप राइट क्लिक करोगे, पहले इसको सेलेक्ट कर, सॉरी, इस पर सिर्फ सिंगल क्लिक करोगे, पहले सिंगल क्लिक करके सिलेक्ट हो जाएगी, राइट क्लिक करोगे और इसको यहाँ से कट कर दोगे। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि ये इस फोल्डर में भी रहे और डेस्कटॉप पे भी आए तो आप कॉपी कर लेना, अगर आप चाहते हो कि यहाँ से बिल्कुल हट जाए और ये डेस्कटॉप पे ही मूव हो जाए तो इसको कट कर लेंगे। ठीक है, कट किया यहाँ से और यहाँ पर लाके पेस्ट कर दिया, एबीसी आ गया फोल्डर। ठीक है, इसलिए ऐसे आप ला सकते हो। इसके बाद है लास्ट ऑप्शन है अपना शॉर्टकट, किसी भी फाइल को शॉर्टकट बनाना। यहाँ से तो सारी फाइल शॉर्टकट्स ही हैं, बाकी जैसे आपने MS Excel ओपन किया, इसको मैक्सिमाइज कर लेते हैं, इसकी फाइल सेव की है, ये बुक वन, चलिए पेंट की फाइल देख लेते हैं। देखिए ये फाइल आपकी ओपन हुई है। ठीक है, आप इसको चाहते हो कि आपकी ये फाइल डेस्कटॉप पर या शॉर्टकट में आ जाए तो आप क्या करोगे, इसको सिंपली आप यहाँ पर क्लिक करोगे और ये इस पर आप राइट क्लिक करके इसको ले आओगे, आप वापस सेव एज करना पड़ेगा इसको। सेव एज कहाँ पर लाना है, आप इसकी लोकेशन सेट करेंगे डेस्कटॉप पे और सेव। ठीक है, ये देखिए फ्री फायर ये आ गई, ये पहले से ही डेस्कटॉप पे थी इसलिए इतनी दिक्कत आ रही थी आने में। अब जैसे मान लीजिए आपको किसी भी फोल्डर को या फाइल को शॉर्टकट में लाना है, ठीक है, ये आपने किया, यहाँ पर आप मान लीजिए एक्स वाई जेड को आपको यहाँ शॉर्टकट से लाना है, तो क्रिएट शॉर्टकट पे क्लिक कर देंगे और यस पे क्लिक कर देंगे। ये देखिए एक्स वाई जेड शॉर्टकट में यहाँ पर आ गया है। ठीक है, तो ऐसे ही हमने आज सीखा अपने फाइल्स को सबसे पहले ओपन कैसे करते हैं, डबल क्लिक करके ओपन किया जाता है, उसके बाद न्यू फोल्डर कैसे क्लिक करोगे, आप सिंपली राइट क्लिक करके न्यू पे क्लिक करके न्यू फोल्डर को क्रिएट कर सकते हो। इसके बाद है
रिनेम कैसे करना है, मान लीजिए आपको इसको वापस रिनेम करना है, रिनेम करने के लिए आप इस पर राइट क्लिक करोगे और रिनेम के ऑप्शन पर क्लिक करके इसको कोई भी और नेम दे दोगे, ठीक है। डिलीट कैसे करना है, डिलीट करने के लिए भी आप इस पर राइट क्लिक करोगे और इसको यहाँ से डिलीट कर दोगे, ठीक है। अगर आपको वापस इसको लेकर के आना है तो आप रिसाइकल बिन पे क्लिक करोगे और यहाँ से आप उस फाइल का नेम फाइंड करके ले आओगे। मूव कैसे करना है, आप कहीं से भी आपको मूव करना है, या अगर आपको कट करवाना है वहाँ से और डेस्कटॉप पे मूव कराना है तो आप कट ऑन पेस्ट पे क्लिक करोगे या फिर कॉपी एंड पेस्ट पे क्लिक करोगे, ओके। नेक्स्ट आपको शॉर्टकट में कि आप की फाइल के लिए आपको अंदर ना जाना पड़े और आपको शॉर्टकट ये डेस्कटॉप पे ही मिल जाए तो आप क्रिएट शॉर्टकट लेकर के उसे डेस्कटॉप पे पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो सेकंड चैप्टर इज कंप्लीटेड, ओके, थैंक यू।